आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबर की ओर। ममता बनर्जी के अपने तो बच्चे नहीं है, वे क्या जाने बेटी खोने का दर्द। सीएम के बयान पर भड़की कोलकाता रेप पीड़िता की माँ। कोलकाता रेप पीड़िता के परिवार ने ममता बनर्जी के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ममता के बयान से ठेस पहुंची है, उनके खुद बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वे बेटी खोने का दर्द नहीं समझ सकती। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आरजी कर पीड़िता की मां ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार न्याय नहीं चाहता। पीड़िता की मां ने कहा, ऐसा कौन सा परिवार होगा जो अपने बच्चों के लिए न्याय नहीं चाहता होगा। सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि परिवार न्याय नहीं चाहता, ममता को खुद कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वे एक बच्चा खोने का दर्द नहीं समझती। हमें उनके बयान से ठेस पहुंची है, पीड़िता के परिवार ने कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पीड़िता की मां ने कहा, ममता बनर्जी ने गुरुवार को जो कहा वो पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया मेरी लड़की के साथ खड़ी है, वे न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन वे कह रही हैं कि हम न्याय नहीं चाहते। मैं प्रदर्शनकारियों से अपील करती हूं कि जब तक न्याय नहीं मिलता वे प्रदर्शन करते रहें। जूनियर डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था। कथित तौर पर कोलकाता पुलिस के इस क्लिप में आरजी कर पीड़िता के परिजनों को बताया गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। हालांकि अब कोलकाता पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल डिवीजन कोलकाता पुलिस इंदिरा मुखर्जी ने बताया, हमने चैनलों पर चलाए गए कुछ ऑडियो क्लिप सुने, कोलकाता पुलिस द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, हमने कभी नहीं कहा है कि ये आत्महत्या है। उधर पीड़िता के पिता ने कहा, हमें नहीं पता कि ये पुलिस और परिवार के बीच बातचीत कहां से वायरल हो गई है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वही बातचीत में आवाज क्या उनकी थी, इस सवाल के जवाब में पीड़िता के पिता ने कहा, आप ऐसा कह रही हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इस मामले में जांच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदिरा मुखर्जी ने मीडिया चैनलों द्वारा शव को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए चादर के अलग अलग रंगों को लेकर किए गए दावों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वीडियो क्लिप में यह भी दावा किया गया है कि शव को ढकने के लिए जो बेडशीट इस्तेमाल की गई थी उसका रंग पहले इस्तेमाल किए गए नीले चादर से अलग थी। उन्होंने कहा, जब हमारी टीम ने फॉरेंसिक टीम के सामने वीडियोग्राफी की तब भी शव को नीली चादर से ढका गया था और सीबीआई को हैंडओवर करते वक्त भी वही चादर था।